हेलो गाइस, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ काइन मास्टर का एक एरर जो काइन मास्टर में आता है एनकोडिंग वार्निंग का। गाइस, आपके पास भी कभी ना कभी ये एक एरर आया होगा एनकोडिंग वार्निंग का, जिसमें आप वीडियो को एडिट नहीं कर पाते हो ढंग से। मतलब अगर आप जिस पार्ट पे वीडियो को कट करना चाहते हो या फिर ट्रिम करना चाहते हो, तो वो पार्ट ट्रिम नहीं हो पाता है, और वो ट्रिम कहीं साइड से हो जाता है, थोड़ा दूर जाके हो जाता है, लेकिन अच्छे से नहीं हो पाता। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, इसमें एक प्रॉब्लम है, वीडियो क्लिप में एक प्रॉब्लम है। जब वीडियो को आप एक्सपोर्ट या फिर शेयर करोगे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे आप वीडियो को एडिट करोगे या फिर वीडियो को देखोगे और स्प्लिट या ट्रिम का फीचर का यूज़ करोगे, तो ये वीडियो में प्रॉब्लम हो सकता है। तो गाइस, इसी का मैं आज सोल्यूशन बताने वाला हूँ, इसको कैसे हमें फ़िक्स करना है और हम क्या कर सकते हैं इसको ठीक करने के लिए। तो गाइस, वीडियो को पूरा आप एंड तक देखते रहना, और वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो चलिए अब चलते हैं गाइस काइन मास्टर में, और वहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। गाइस, यहाँ पर मैंने काइन मास्टर ओपन कर लिया, उसके बाद मैं यहाँ पर प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ और वो वीडियो सेलेक्ट कर लेता हूँ जिसमें मेरे को प्रॉब्लम आ रही है। ये रही गाइस वीडियो मैंने सेलेक्ट कर ली, यहाँ पर आप देख सकते हैं एनकोडिंग प्रॉब्लम आ रहा है, तो यहाँ पे मैं ओके कर देता हूँ। अब मैं इसका गाइस सोल्यूशन बताता हूँ इसको कैसे करना है। गाइस, इसके दो सोल्यूशन है, एक आप अपने फ़ोन से खुद से ठीक कर सकते हैं और एक काइन मास्टर की मदद से। तो फर्स्ट ऑप्शन बताता हूँ मैं, फर्स्ट में आपको करना क्या है। फर्स्ट में आपको गाइस इसे एक्सपोर्ट कर लेना है, जो वीडियो है आपको जिसमें प्रॉब्लम आ रही है उसको ओके करके यहाँ पर एक्सपोर्ट कर लेना है, इसे यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेना है। यहाँ पर गाइस वीडियो एक्सपोर्ट हो रही है। गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट हो गया। अब हमें करना क्या है, बैक जाना है और इसको डिलीट कर देना है, और वापस से न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, और यहाँ पे जो आपने एक्सपोर्ट करा था उस पर आपको वापस से सिलेक्ट करना है उसी वीडियो को। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये आ गया विदाउट एरर के साथ, और यहाँ पे आप देख सकते हो ये आप जो एडिट कर रहे हो यहाँ पे कहीं भी कट लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वरना जो अगर पहले वाले में दिक्कत आती थी वो यहाँ पर अगर आप यहाँ एडिट करना चाहते तो यहाँ होता नहीं था, तो दूर होता था कहीं। तो आप देख सकते हैं ये रहा हमारा पहला सोल्यूशन। और दूसरा सोल्यूशन के बारे में बताऊँ तो गाइस, आपको करना क्या है, आपको अपने पे जाना है गैलरी में, और जिस भी वीडियो में एरर है उस वीडियो को सिलेक्ट करना है पहले आपको, जैसे ये रही वो वीडियो। और आपको करना क्या है, यहाँ पे इस पर सिलेक्ट करना है और इसको एडिट करना है। यहाँ से मैं एडिट कर लेता हूँ गाइस, इसको एडिट करना है। एडिट देख सकते हैं यहाँ पे 1 मिनट 10 सेकंड की वीडियो है, तो इसे ट्रिम करना है हमें 1 सेकंड का, बस 1 सेकंड का लास्ट में ट्रिम कर देता हूँ, 1 मिनट 9 सेकंड तक का। गाइस देख सकते हो यहाँ पे 1 मिनट 9 सेकंड का ट्रिम कर दिया, इसे सेव कर देना है। अब ये एक्सपोर्ट हो रहा है, यहाँ पे गाइस आप देख सकते हो ये एक्सपोर्ट हो चुका है। अब वापस से हम काइन मास्टर में चलते हैं। अब गाइस वापस से हमें क्रिएट करना है, और जो हमने वीडियो भी एक्सपोर्ट करी है उसको सेलेक्ट करना है। तो गाइस हमने वो वीडियो सेलेक्ट कर ली, आप देख सकते हो यहाँ पर एक भी एरर नहीं आया, और इसे हम एडिट इसे भी एडिट ढंग से कर सकते हैं। तो गाइस देख सकते हैं इसका कितना अच्छा सोल्यूशन है, 100% सोल्यूशन है इसका। आप दोनों मेथड में से कोई सा भी एक मेथड यूज़ कर सकते हो जो आपको इजी लगे। तो गाइस बस आज की इस वीडियो के लिए इतना ही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और मेरा प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छा लगा हो, तो गाइस वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तब तक के लिए बाय।